प्रदेश के लखनऊ जिला कारागार में डकैती के मामले में निरुद्ध विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। बुधवार की शाम उसका शव उसके पैतृक गांव जलालपुर पहुंचा, तो परिवार में कोहराम मच गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम कौसर ने अपने समर्थकों के संग जाकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि बिस्वा कोतवाली इलाके के जलालपुर निवासी रूपेश पुत्र मेवालाल एक डकैती के मामले में लखनऊ जिला कारागार में बंद था। सोमवार की रात को कारागार में बैरक शौचालय में रूपेश का गमछे से लटका हुआ शव पाया। विचाराधीन बंदी की मौत से जेल महकमे में हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार की शाम को शव सीतापुर के बिस्वा के जलालपुर गाँव लाया गया, जहाँ पर शव को देख कोहराम मच गया। शव गांव पहुंचने पर दूर दराज से हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उसके अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। जिसको भी खबर लगती वो वहां पहुंच रहा था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वे हत्या की आशंका जता रहे हैं। उनका मानना है कि मृतक आत्महत्या नहीं कर सकता, वो बहुत खुश मिजाज था। इसके पूर्व परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए बिस्वा कोतवाली पहुँच कर मंगलवार को प्रदर्शन भी किया था। घटना को लेकर मृतक के भाई राकेश ने जानकारी दी। क्या घटना हुई आपके भाई के साथ, कैसे आपको सूचना मिली? सर, पुलिस द्वारा आज मिली। आज सुबह हमको जो है प्रधान जी के घर गए थे, बुलवाया था, एक कांस्टेबल साहब गए थे। हाँ। और उन्होंने हमको जो है ये सूचना दिया। क्या सूचना दी? कि आपका भाई जो है वहाँ क्या घटना हुई, कहीं कि आपका भाई जो है जेल में मर गया है और जो है फांसी लगा ली है। ये बता रहे थे पुलिस वाले। क्या आपसे भाई से कुछ बात या आप लोग मिलने गए थे, क्या उसने बताया था इससे पहले किसी तरह की कोई बात? भाई को हमारे कह रहा था, पूरी बात बताया नहीं था, कह रहा है कि हमको बहुत बड़ी दिक्कत है। कब बात हुई थी उसे? कल बात हुई। कैसे बात हुई थी जब जेल में था भाई? मोबाइल से बात हुई। किसका फ़ोन था? हमारा था। नहीं, उसने किसके फ़ोन से बात की थी? वहाँ जेलर, जेलर जो जेल से मिलता है मोबाइल। हाँ, वही से बात हुई। कह रहा था कि कब तक हो जाएगी बेल, हो जाएगी तो हमने भैया दो चार दिन में आपका हो जाएगा, आप जो है छूट जाएंगे। और जो है आप टेंशन मत करना भाई, हम हैं और हमारे साथ पूरा गाँव है, ये सब बताया था। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जेल में कैसे ख़त्म हुआ होगा ये? अब ये बताइए भैया कि अगर कोई भी सामग्री जाती है जेल के अंदर तो उसको चेक होकर जाती है, तो आप बताइए अंगोछा इसमें दिखा रहे हैं, आत्महत्या दिखा रहे हैं, ठीक, तो आत्महत्या मेरा भाई करेगा नहीं। हाँ, मैं पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ कि जो है हमारा भाई आत्महत्या नहीं किया है। मारा गया है, पैसा देकर मरवाया गया है और लटका दिया है उसमें। आज इतनी ऊंची बिल्डिंग है, कहाँ से जो है लटक जाएगा। और खुश रहता था, जेलर साहब खुद बता रहे थे कि वो खुश मिजाज था, ये खुद कह रहा था। तो मतलब आपका आरोप है कि उसको मार करके लटका दिया? हाँ, मार करके लटकाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश।